कहती है गोविंद भगवान की राजेश खुराना इनकी तरफ से 100 रुपये आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सुख शांति प्रदान करते हैं, धन के भंडार भरे हैं। सुना देंगे अभी, ठीक है? हाँ, आप पैसे भेजा करो, किसी और के हाथ से भेज दिया करो, ये ठीक रहता है। तो ध्यान रखना महाराज, देवकी की जब विदाई होने लगी कंस आया तो देवकी कंस के गले से लग के रोने लगी, और जब रोने लगी तो आज कंस ने अपनी बहन से कहा, बहना सुनो कि जाओ बहना खुश रहना, अरे बस ये आशीष हमारा, बस यही तलक था साथी है हमारा तुम्हारा, हमारा आकाशवाणी होने लगी, और जब आकाशवाणी होने लगी देवता चिल्लाने लगे, कंसराज सुनो, तुम जिस बहन को इतनी हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहे हो ना, तुम्हें नहीं पता है इसी बहन देवकी के गर्भ से 8वां बालक जन्म लेगा जो तुम्हारा काल होगा। इसका मतलब जिस बहन को मैंने इतनी हंसी खुशी के साथ में खिलाया पिलाया, इसे बड़ा किया, लाड़ प्यार किया, और इस बहन के गर्भ से 8वां बालक होगा वो मेरा काल होगा। कंस सोचने लगा कि हम बहन को ही मार दिए, ना रही है बांस न बजिए असुरिया, जब बहन ही नहीं रही है तो फिर जब 8वां बालक कहां से आई है। अब कंस एक बात ये और सोच रहा है कि अगर बहन
को हम नहीं मारो तो फिर मैया बहुत रोएगी। तो बेन को देखे या फिर अपनी जिंदगी देखे, कंस सोच रहा ना कि कैसे दे दी हम प्रेम में, गर्भ से आठवां बालक जो होगा वो मेरा काल होगा, तो हम तुझे मार देंगे। जब तू ही नहीं रहेगी तो तेरा आठवां बालक कहां से आएगा। जैसे ही मारने के लिए तलवार उठाई बुजुर्गों, तैसे ही वसुदेव ने हाथ जोड़ लिए, कंसराज छोड़ दो देवकी को। कंस ने जवाब दिया, ऐसे कैसे छोड़ दे, तुमने सुना नहीं किसके गर्भ से आठवां बालक जन्म लेगा वो मेरा काल होगा। तो वसुदेव जी ने कहा, अच्छा जब बताओ क्या तुम्हें देवकी से डर है या इसके बालकों से। कंस कहने लगा, सीधी सी बात है, इसके बालकों से डर है। तो वसुदेव जी बोले, जब तुम्हें इसके बालकों से डर है तो ऐसा करो कि देवकी को तुम छोड़ दो और इसके कर्म से जितने भी बालक जन्म लेंगे वो सारे बालक मैं तुम्हारे पास में ले आऊंगा, फिर चाहे तुम उन्हें मार देना या उन्हें छोड़ देना। तो कंस जानता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। कंस ने वसुदेव के कहने पर देवकी को छोड़ दिया। लेकिन कंस ने देवकी वसुदेव को महाराज बटेश्वर नहीं जाने दिया। कंस ने कहा, तुम दोनों मेरे साथ मथुरा में रहोगे। तो कंस ने देवकी वसुदेव को पकड़ करके मथुरा के कारागार में डाल दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, मथुरा में देवकी ने गर्भ धारण किया। और जब गर्भ धारण किया तो देवकी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। वो पहला बालक वसुदेव कंस के पास में लेकर के पहुंचे। तो कंस ने जब वो पहला बालक देखा तो कंस ने वसुदेव से कहा, वसुदेव जी देवकी का आठवां बालक मेरा काल होगा और ये तो पहला ही है, तो पहले समय कछु डरना या सुकर तो जाए ले जाओ और जब आठवां बालक जन्म ले तब तुम बाय लेके आ जाइयो।